मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आपकी पुस्तक शब्द तरंग बाय ब्रेन रूट से। कौन सा पार्ट आज हम सीखने जा रहे हैं? दो अक्षर वाले शब्द। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था आपको याद है ना? हमने कैसे, किससे प्रारंभ किया था? हमने सबसे पहले सीखे थे स्वर, उसके बाद हम आए थे व्यंजन पर, और फिर हमने बहुत सारे अभ्यास भी किए थे, है ना? तो आज हम करेंगे दो अक्षर वाले शब्द अमात्रिक, जिसको बोला जाता है अमात्रिक। तो सबसे पहले ये किसका चित्र है? ये तो बहुत सारे क्या बने हुए हैं? फल, फाला, फल। तो ये क्या है? फल। और फल को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनता है फल? देखिए, सबसे पहले क्या है, ये फा, फा से फल बताया था ना, फा। और फा में हमने प्लस ला, फा ला। और अभी तो हमने अलग अलग पढ़ा है, अब हम इसको एक साथ मिलके पढ़ेंगे, फा ला फल। इसको जोड़ के पढ़िए, फा ला फा ला फला फल। तो अगर हम इसको जोड़ के बनेंगे तो बन जाएगा फाला फल। और अब ये क्या लिखा है? ये बना हुआ है नल। नल कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने लिखा न, न प्लस फिर ये ल। अभी अगर हमने पढ़ा न ल, अब हम इसको जोड़ के पढ़ेंगे, बीच में हम रुकेंगे नहीं, न ल नल। मेरे साथ बोलेंगे न ल न ल नल। जी हाँ। और ये क्या है? ये क्या बना है? टब। इसको हम कैसे बोलेंगे? पहले हम बोलेंगे ट, ट, और फिर ये क्या है? ब, ब, ट, ब। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, ट, ब, टब, ट, ब, टब। अगला अक्षर है, क्या है ये? बस, बस। बस को हम कैसे पढ़ेंगे? ब, ब प्लस स। अभी हमने पढ़ा ब और स, ब और स। अब हमने इसको बिना रुके जोड़ के पढ़ना है, ब स बस, ब स बस। ध, ध, न, न, ध और न। अभी हम पढ़ रहे हैं ध, न। अब हम इसको इकट्ठे पढ़ेंगे, ध न धन, ध न धन। र, किसका चित्र है ये? र का। तो हमने पहले क्या देखा? र लिखा हुआ, र, और ये फिर क्या लिखा हुआ है? थ, थ, र थ, र थ। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, र थ रथ, र थ रथ। जी हाँ। ये क्या है? जग, जग। अब जग को कैसे बोलेंगे? ज, और ये ग, ज, ग, ज, ग, जग, ज, ग, जग। व, न, व, न, व, न, व, न, वन। इकट्ठे पढ़िए, व, न, वन। पहले हम एक 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 अक्षर को लेंगे, व, न। अब इसको मिलाएंगे, व ना बन के क्या बन गया? व ना वन। क्या बन गया? व ना वन। क प, अब इसको अगर इकट्ठे पढ़ेंगे, क प कप, क प कप। बच्चों, बोल बोल के आपको दोहराना है, और जब तक बोलेंगे नहीं आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे मैं जोर से बोल रही हूँ, ऐसे आपको भी जोर जोर से फिंगर रख के बोलना है। अब हम करेंगे, दो अक्षरों से बने शब्दों को पढ़ो और समझो। र ख, र और ख है ये। अगर हम इनको एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? र ख रख, पाला। इकट्ठे बोलेंगे, पाला पल। जा ला, जा और ला हमने अलग अलग पढ़ा, अब हम एक साथ पढ़ेंगे, जा ला जल। चा खा,
और ख, आप इकट्ठे बोले, जोड़ मिला के बोलिए, इसको संयुक्त करके बोलिए, च ख चख, काला काला कल, याज्ञा या और ज्ञा, याज्ञा यज्ञ, पढ़ा पढ़ा पढ़, पढ़ा पढ़, माठा माठा मठ, लाठा लाठा, ला और ठा को मिला दिया हमने, क्या बन गया, लाठा लठ, हा ठा हा ठा हठ, पा और था को मिला दिया, क्या बन गया, पा था पथ, जागा, जा और गा को मिला के बोलेंगे, जागा जागा जग, पागा पागा पग, राटा राटा रट। इस तरह से हमें दो अक्षरों के शब्दों का अभ्यास करना है। चढ़ा चढ़ा चढ़, काबा कब, नासा नासा नस, कासा कासा कस, रबा रबा रब, उड़ा उड़ा, इसको मिलाइए, उड़ा उड़। ये देखो चा है और ला है, चाला चाला चल, सा चा, सा और चा को मिला के बोलेंगे, सा चा सच, हा जा, हा और जा को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, हा जा हज, था का, था और का को अगर हमने मिला दिया तो क्या बन गया, था का थक, जा ना, जा और ना को फिर हमने ज्वाइंट किया, क्या बन गया, जा और ना को जब हमने मिला दिया, जा ना जन, गाड़ा गाड़ा, ये है ग और ये है डा, जब हम ग और डा को एक साथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, गाड़ा गड़, ता ना, ता और ना को हमने अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, ता ना, फिर हम एक साथ बोलेंगे, ता ना तन, उठा उठा, अब उ और ठा को मिला देंगे तो कैसे बोलेंगे, उठा उठ, उठा उठ, आप दो अक्षरों के मेल का एक साथ बोलेंगे, ये देखो, हाला हल, फाला फल, काला कल, जाला जल, ताला तल, चाला चल, बाला बल, नाटा नट, राटा रट, लाटा लट, चाटा, एक साथ बोलेंगे चाटा को, चाटा को मैंने मिला दे, क्या बन गया, चाटा चट, पाटा पाटा, पाटा पट, हाटा, अभी इकट्ठे बोल रही हूँ मैं, हा और टा को एक साथ बोल रही हूँ मैं, हाटा हट, घाटा, एक साथ बोलेंगे घा और टा को मिला के, घाटा घट, आबा अब, काबा कब, जाबा, जा और बा को मिलाओ, मिलाएंगे क्या बन जाएगा, जाबा जब, ताबा तब, साबा सब, राबा रब, टाबा टाबा तब, धाना धन, माना मन, जाना जाना, एक साथ बोलेंगे जाना जन, बाना बन, घाना घन, ताना तन और वाना वन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे अक्षर पढ़ेंगे, दो अक्षरों के शब्दों को, कामा कम, थामा थम, हामा हम, छामा छम, टामा टम, दामा दम, झामा झम। अगली लाइन, का और रा, का और रा को एक साथ बोलेंगे, कारा कर, तारा तर, वरा वर, घारा घर, दरा दर,
नर नर और पर पर। अब है ढा ढा शब्द, गढ़ा गढ़, च और ढा, च और ढा को जब हम मिला के बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, चढ़ा चढ़, माढ़ा मढ़, पाढ़ा पढ़, धाड़ा धड़, लाड़ा लड़ और सड़ा सड़। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था, अभी हमने दो अक्षरों के मेल के अक्षरों को पढ़ा था और अब हम इनके दो शब्दों के मेल से बने वाक्य, अब हम वाक्य पढ़ेंगे। जैसे कि फला फल, चाखा चख, तो क्या बन गया, फल चख, लाड़ा लड़, माता मत, इसका वाक्य क्या बन गया, लड़ मत। या और ग्या, या और ग्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, या ग्या यज्ञ, करा कर, यज्ञ कर, गाजा गज, चला चल, गज चल, ताना तन, ढाका ढक, इसको वाक्य में बोलेंगे तन ढक, वाना वन, चाला चल, वन चल। तो ये क्या थे, दो शब्दों के मेल से बने वाक्य। और अब दूसरा, जया जय, उठा उठ, जय उठ, छाड़ा छड़, राखा रख, वाक्य बोलेंगे छड़ रख, जाला जल, भारा भर, वाक्य जल भर, रटा रट, माता मत, रट मत, ऊना ऊन, रखा रख, अब वाक्य बनेंगे ऊन रख, डरा डर, माता मत, डर मत, खाता खत, पढ़ा पढ़, खत पढ़, हाला हल, राखा रख, अब वाक्य में बोलेंगे हल रख, जागा जग, भारा भर, जग भर, जापा जप, कारा कर, जप कर, साचा सच, कहा कह, सच कह, घारा घर, चाला चल, इसका वाक्य होगा घर चल। और अब आखिरी है, खागा खग, उड़ा उड़, खग उड़, साबा सब, पाढ़ा पढ़, वाक्य बोलेंगे सब पढ़, बाना बन, माता मत, वाक्य में आएगा बन मत, माता मत, करा कर, मत कर, आबा अब, चाला चल, अब चल, ईखा ईख, चखा चख, ईख चख। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था, हमने दो शब्दों के मेल से बने वाक्य बोले थे, जो दो दो शब्दों से बने थे उनके हमने वाक्य पढ़े थे। तो बच्चों आप भी ऐसे ही जोर जोर से, जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही आप भी जोर जोर से इसका अभ्यास करेंगे। और अब हम करेंगे तीन शब्दों से बने मेल के वाक्य, ठीक है, तीन शब्दों के मेल से बने वाक्य करते हैं। पहले दो के किए थे और अब हम करने जा रहे हैं तीन के। याशा यश, आबा अब, जागा जग, अब हम इसको वाक्य में बोलेंगे यश अब जग, दासा दस, बजा बज, दस बज गए, गए गए, दस बज गए, आबा अब, साजा सज, अब सज, धाजा धज, इसको वाक्य है अब सज धज, जापा जप, तापा तप, कारा कर, वाक्य कैसे बनाएंगे, अब जप तप कर, माठा मठ, ताका तक, मठ तक, चाला चल, मठ तक चल, बसा बस, पारा पर, बस पर चढ़ा चढ़। तो हमने क्या किया,
आपने तीन शब्दों के मेल से बने वाक्य बोले, अभ्यास किया। और आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम चार शब्दों के मेल से बने वाक्य बोलेंगे और आशा करती हूँ आप सब बच्चे मेरे साथ साथ उसे दोहराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गाजा गज पारा पर माता मत, गज पर मत चढ़ा चढ़, गज पर मत चढ़। आबा अब खाता खत, अब खत माता मत पढ़ा पढ़, अब खत मत पढ़। आबा अब दासा दस, अब दस बजा बज, गए गए अब दस बज गए। झाटा झट पाटा पट, झट पट घारा घर, झट पट घर चाला चल, झटपट घर चल। याशा यश दासा दस, यश दस ताका तक, यश दस तक पढ़ा पढ़। राटा रट कारा कर, रट कर माता मत पढ़ा पढ़, रट कर मत पढ़। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने किए चार शब्दों के मेल से बने वाक्य, इनका हमने अभ्यास किया और आशा करती हूँ बच्चों आप भी इसका अभ्यास अवश्य करते रहेंगे। और अब हम करते जा रहे हैं बच्चों पांच शब्दों के बने मेल से बने वाक्य। अब हम पहले हमने दो का किया, फिर तीन का, फिर चार का, और अब हम करने जा रहे हैं पांच शब्दों के। तो चलिए शुरू करते हैं। नवा नव आबा अब, नव अब उठा उठ, ईश ईश भज, ईश भजा भज। इसको पूरी लाइन में पढ़ेंगे, नव अब उठ ईश भज। डारा डर डारा डर, डर डर करा कर, माता मत रह रह, डर डर कर मत रह। आबा अब काला कल, फिर से काला कल, माता मत करा कर। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, अब कल कल मत कर, अब कल कल मत कर। याशा यश पारा पर, यश पर शा का शक, माता मत यश पर शक मत करा कर। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, यश पर शक मत कर। और अब अगला है, छाता छत पारा पर, जाला जल माता मत, छत पर जल मत भारा भर। इसको हम वाक्य में कैसे बोलेंगे बच्चों, छत पर जल मत भर। और आखिरी है, रथा रथ पारा पर, चढ़ा चढ़ कारा कर, रथ पर चढ़ कर चला चल। और हम इसको वाक्य कैसे बोलेंगे, रथ पर चढ़ कर चल। तो बच्चों ये हमने क्या किए थे, ये हमने किए थे पांच शब्दों के मेल से बने वाक्य, और आशा करती हूँ कि आप भी इसको दोहराएंगे अवश्य। और अब ये है हमारे दो अक्षरों के शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ो और समझो, ठीक। जैसे फल है तो फल चख, जग भर, ठीक है। ये इस टाइप से हमारे जो हैं दो अक्षरों से बने वाक्य हैं, इनको हमें पढ़ना है और समझना है। जैसे कि ये अब पढ़, जग भर, जल भर, दो वाक्य आ जाएंगे इसमें, जग भर और नल नल भर, ये जग भर,
इस तरह से हमारे ये वाक्य हो गए हैं, ठीक। और अब हम एक बार फिर से दोहराते हैं, दो अक्षरों के शब्द हैं, यश उठ अब नल पर चल, नल पर जल भर, जग भर कर अब चल, अब 10 बज गए, लव जय कब गए, 10 तक पढ़, रट कर मत पढ़, झक झक मत कर, फल ढक कर रख, घर चल कर पढ़, उन पर शक मत कर, फल चख कर मत रख, सब सच सच कह। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे दो अक्षरों के वाक्य। और अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ वाह चित्र देखकर हमें शब्द पूरे करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे तो नल बना हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाली ल। तो हम इन्हें यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा न, तो क्या बन गया ये नाला नल। और ये क्या बना हुआ है, ये एक छोटा सा प्यारा सा खग बना हुआ है और यहाँ पे खाली क्या लिखा है, ख। तो हम इसे पूरा कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे खगा खग। ऐसे ही ये क्या बना है, ये चित्र है रथ का और यहाँ खाली रा लिखा है, तो मैंने यहाँ पे था लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रा और बन गया रथ। ये क्या है, गज बना है, इसमें खाली गा लिखा है तो मैंने जा लिखे गा जा गज। हमने इन शब्दों के जो थे इनको शब्दों को पूरा कर दिया चित्र को देख के। और ये है अगला कार्य है, चित्र देखकर सही शब्द पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले ये क्या है, टब है और यहाँ पे लिखा है टब, टाला टल, टाबा टब, टाना टन, तो टाबा टब पे हमने सही का निशान लगा दिया। और ये क्या है, ये है रस, सबसे पहले रथ है जी नहीं, रसा रस, तो हमने रस के आगे सही का निशान लगा दिया। गोले में दिए गए वर्ण की सहायता से शब्द लिखने हैं, तो का हमने पहले प्रारंभ किया, हमने पहला लिखा काला, ये वाला हमने शब्द लिया, उसके बाद हम अप ले रहे हैं कौन सा वर्ण, का ता, और हमने यहां लिख दिया कत। अब का हा कह, का और अब खा के नीचे क्या लिखा है, पा, तो हमने फिर यहां पे का लगा दिया और ये पा लिख दिया, बन गया पा, का पा कप। अब पा के बाद है रा, का रा कर। और अगले अक्षर आ रहे हैं बा, तो फिर से हमने बीच का अक्षर ले लिया का और यहां पे हमने लिख दिया बा, बन गया का बा कब। फिर इसके बाद है अड़ा, फिर हमने बीच का अक्षर ले लिया ये का और यहां लिख दिया अड़ा, काड़ा कण। अब ये है सा, हमने फिर का ले लिया और यहां पे लिख दिया सा और क्या बन गया, का सा कस। फिर हमने क्षा ले लिया का और क्षा, का क्षा कक्ष यानी कि कमरा। और फिर हमने क ले लिया और यहाँ पे हमने आखिरी जो पढ़ा था वर्ण माँ, हमने माँ लिख दिया तो क्या बन गया, का माँ कम। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने गोले में दिए गए वर्ण की सहायता से हमने शब्दों को लिखा है। इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इन शब्द इनको बहुत अच्छे से दोहराएंगे जो हमने आज सीखा है, दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के, चार अक्षर के और पांच अक्षरों के शब्दों को बहुत अच्छे से दोहराएंगे और इनके साथ के जो वाक्य हैं उनको भी, उनका भी अभ्यास करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसा मैंने बताया, हमेशा बोल बोल कर जोर जोर से। और नया कुछ सीखने के लिए हम बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।